मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य शुरू किया था पाठ। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को और सच कहें तो हर इंसान को अपने स्वास्थ्य के बारे में, खास तौर से जनन स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ बायोलॉजी के छात्रों को बल्कि सभी विद्यार्थियों को, सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के अलावा अन्य विषय के स्टूडेंट्स से भी ये अपील करूंगा कि वो मेरा ये वीडियो देखें, और सभी गुरुजनों से, शिक्षकों से ये निवेदन करूंगा कि अपने स्कूल के ग्रुप में अपने छात्र छात्राओं से मेरे ये वीडियो आप शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप में इन वीडियोस को पोस्ट कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचें और मुझे भी इससे बहुत लाभ होगा, संतुष्टि होगी। तो ये एक ऐसा विषय है बायोलॉजी में, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब जो है ये सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य को इनके बारे में अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिनमें हम जो है अगर इन विषय के बारे में जानते हो तो हमें फायदा हो सकता है। कल जो हमने पढ़ा था उसी से हम जो है आगे को बढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय में, सॉरी, अभी जो है एक शब्द कह रहा है सामाजिक, शारीरिक, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक जो है अगर कोई रोग ऐसा लग जाए मनुष्य के शरीर में, तो चाहे वो जनन अंगों से संबंधी ही शारीरिक परेशानी हो, वो भी जो है मनुष्य को बहुत तकलीफ होती है। भावनात्मक, भावनात्मक मतलब हमारे मन को कमजोर करता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कोई लैंगिक परेशानी हो, जैसे पुरुष में किसी व्यक्ति को यह शुक्राणु पता चलता है कि उसके में उसके शरीर में शुक्राणु कम बन रहे हैं, और इस वजह से उनकी संतानें नहीं हो पा रही हैं, तो वो व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक मतलब उसके व्यवहार में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ व्यवहारिक कमियां आ जाती हैं व्यवहार में, तथा सामाजिक, सामाजिक रूप से भी वो स्वास्थ्य ठीक ना होने पर जो है उसे परेशानी आती है। अभी तो हम जो है इस वक्त मैंने जो बातें कही वो एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के लिए ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन अगर हम समाज के रूप में, ऐसे समाज को, ठीक है, समाज के रूप में कि समाज जो है वो कब जननात्मक रूप से जो है जनन के हिसाब से, जब कब हम कहेंगे कि कोई समाज जो है जननात्मक रूप से स्वस्थ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि जो है हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ स्त्री और पुरुषों की संख्या में बड़ा अंतर है, जो है स्त्री पुरुष का लिंगानुपात जो है बहुत कम है। जैसे हरियाणा में जो है लड़कियां ही नहीं रह गई हैं, तो कई लड़के जो हैं वो कुंवारे रह जाते हैं। तो लड़कियां वहां कम पैदा हो रही हैं या जो है उनकी
वो जो है गर्भा गर्भपात करा देते हैं, जो भी कारण रहा है। तो राजस्थान में और हरियाणा में हमें सुनने में मिलता है कि वहां जो है जननात्मक रूप से स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो गड़बड़ है। अब आप केरल राज्य को ले लीजिए, वहां पर जो है लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी समाज जो जिसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या समान हो, जहाँ लड़के और लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव न किया जाता हो, और जो है जहाँ गर्भपात की समस्या न हो, यानी कि जो भ्रूण हत्या न होती हो, अगर तो इस तरह के समाज को हम जो है जहाँ भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, जहाँ लिंग में लिंग अनुपात सही है, ऐसे समाज को हम जो है स्वस्थ समाज कहते हैं। तो आगे आज का पाठ हम आगे को पढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। इसकी हम जो है कोशिश करेंगे कि हम रीडिंग करते हुए चलें, और बीच बीच में जहां जहां पर आवश्यकता हो तो उसको समझें भी। ये एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। और जो बच्चे सीपीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो उन बच्चों को तो विशेष रूप से जो है एनसीईआरटी की पुस्तक को ही अगर वो लाइन बाय लाइन पढ़ ले जाए तो उन्हें जो है विशेष इसका लाभ होगा, उन्हें दूसरे हेल्प मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना समय और एनर्जी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो सही करने में लगाएं। तो यही मेरा आपको सुझाव है। तो विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता। तो परिवार नियोजन शब्द तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो है इसे अब परिवार कल्याण कहते हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय, ये शब्द सुना होगा आपने। तो पहले कहते थे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता था कि पहले जो है जब 1970 के दशक में एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, यानी पति पत्नी और उनके दो बच्चे, दो बच्चों तक जो है परिवार को सीमित रखने की बात आती थी। तो इसके लिए जो है नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। तो परिवार को सीमित करना है दो बच्चों तक, और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में देखिए, आपने ये आप इस बात से अवगत हैं कि चीन एक दुनिया का चीन जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो भारत ही आता है। और 2025 तक ये संभावना जताई जाती है कि 2025 तक जो है भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। तो चीन ने तो अपने यहाँ बड़े कड़े नियम निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि भैया एक ही संतान होनी चाहिए, इनकी एक संतान होगी उनको कुछ कई सरकारी फायदे दिए जाते हैं। और हमारे देश में भी जो है, हमारे देश में ये किया गया कि दो दो संतानों तक सरकार कहती है कि दो बच्चे होने चाहिए, इससे जो है अनुपात बराबर रहता है, यानी कि जितने जाएंगे उतने नए आ जाएंगे, तो जो है जनसंख्या जो है नियंत्रण में रहेगी। 1975 में जब भारत
1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू हुआ था, तो तब कहते हैं कि जो है लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके उनकी नसबंदी कराई गई। इसमें कई ऐसे बेचारे भी थे नसबंदी में, ऐसों की भी नसबंदी हो गई जिनकी शादी नहीं हुई थी, बेचारे कुंवारे थे, उनकी भी पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी। तो जो है ये इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे जो है समाज को नुकसान हुआ है। तो परिवार कल्याण या परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, तो समय समय पर जो है इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो अभी पर यहाँ पर जो है बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये आपको जो है ये याद कर लेना है। RCH का पूरा नाम क्या है? ठीक है, RCH का पूरा नाम क्या है? तो आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन, सी से हो जाएगा चाइल्ड, और एच से हो जाएगा हेल्थ। तो RCH कार्यक्रम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। लोगों को बताया जाता है कि आप जो है उनको उनमें जागरूकता पैदा की जाती है कि किस तरह से वो अपने परिवार को नियंत्रित करें, ठीक है, 2 बच्चों तक सीमित रहें, और कैसे ये जनन से संबंधित जो रोग हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इन सब के बारे में उनको जागरूक किया जाता है। तो इसके लिए जो है आगे कहता है श्रव्य एवं दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य यानी कि जो है ऑडियो विजुअल्स, अंग्रेजी में कहते हैं ऑडियो विजुअल्स, यानी कि श्रव्य मतलब सुनने वाले, दृश्य मतलब देखने वाले। कई ऐसे रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, तो रेडियो के ऐसे प्रोग्राम जिनमें जो है बच्चों परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाती है। और दृश्य, दृश्य मतलब देखने में, जो देखने में आए, तो टीवी एक दृश्य माध्यम है, विजुअल मीडियम है। तो टीवी में और रेडियो में कई इसी तरह के मुद्रित सामग्री, मुद्रित मतलब कुछ पैम्पलेट्स वगैरह, कुछ छपे हुए कागज वगैरह जो है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो हमारी सरकार और बहुत से NGOs जो हैं लोगों में जनन से संबंधी, जनन स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम बनाती है। तो छोटा सा एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। जब हम लोग जो है आपकी उम्र में थे, 16-17 साल के, 17-18 साल के, तो टीवी में जो है कई इस तरह के ऐड आते थे जो है बेटा बेटी दो ही अच्छे, और परिवार नियोजन अपनाएं, 2 बच्चों में दूरी बनाएं, और जो है कॉन्डोम के बारे में निरोध निरोध निरोध, इस तरह से टीवी में बहुत से ऐसे ऐड आते थे। तो हम भी जब अपने माता पिता के साथ जो है टीवी देखने बैठते थे तो जो है बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती थी, जब वो टीवी में निरोध 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 माला डी कहता था, तो बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती थी। लेकिन अब जो है आपके बच्चे समझदार हो गए, माँ बाप भी इस तरह कुछ कुछ चीज को जानने लगे हैं, क्योंकि बच्चे वो सब बातें जानते हैं जो जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि जो है बहुत सी बातें जो है हम अपनी माता